हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एप्लीकेशन में आपको बताया था काफ़ी टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे हमने फ्रैक्शन के किए हैं और जी एक से रिलेटेड किए हैं, टू डिजिट से रिलेटेड किए हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में करवा रखे हैं, उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट अब हमारा है जनरल अवेयरनेस। जैसे लिखा है दी कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे इज ₹80 की 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स ₹80 की हैं, और सेम डेट को 1 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स जो है वो ₹70 की हैं। तो आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल की, जो 1 kg एप्पल है वो ₹120 की है। सपोज कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, जो ग्रेप्स हैं 1 kg वो हमने ले लिए ₹80 की है। तो देखिए, आप शॉप पे जैसे जाते हो तो मान लो जो एप्पल है वो आपके ₹50 के 1 kg हैं, और ग्रेप्स सपोज करो कि ₹30 के kg हैं। तो जब आप 2 kg एप्पल लोगे, आपने सपोज करो शॉपकीपर से 2 kg तो एप्पल लिए 2 kg, और 1 kg आपने ग्रेप्स लिए, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको? प्रैक्टिकली सोचो, जब ₹50 के 1 kg एप्पल हैं, 1 kg का हमने ये कॉस्ट लिया और 1 kg ग्रेप्स का लिया है, तो 2 की मल्टीप्लाई पहले 50 से करोगे तो ये आपके ₹100 तो इसके बन जाएंगे। ऐसे आपने 1 kg ग्रेप्स लिए हैं तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके कितने बन जाएंगे, ₹30। तो टोटल आप कितने पैसे दे के आओगे शॉपकीपर को, ₹130। ऐसे कहीं भी आप शॉप पे जाते हो, मान लो आपने 3 items ली, 2 या 3, तो क्या होता है जितना उनका रेट हो, जैसे 20 rupees का एक पीस आपने 5 pieces लिए, ऐसे ये 30 rupees का एक पीस है ये आपने 2 pieces लिए, और एक 100 rupees का ये आपने 1 piece लिया, तो जितने एक की मल्टीप्लाई या नंबर ऑफ पीसीस से मल्टीप्लाई करके उनको पहले सॉल्व करते हैं, फिर उनका टोटल करके हम उतने अमाउंट दे के आते हैं शॉपकीपर। तो यही कैसे आप इसमें देखेंगे, अगर हमने 2 kg के को एप्पल लिए हैं फर्स्ट कंडीशन में, क्या लिए हैं 2 kg एप्पल है और 1 kg ग्रेप्स है, इन टोटल कितना हमारा अमाउंट है ₹80। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल प्लस कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स कितना है, ये ₹80। कितने पैसे दोगे आप? देखो 2 kg लिए और 1 kg कितने के हैं, ₹100 के, तो 2 kg कितने के हो जाएंगे, 2x के। ठीक है, ये बीच में प्लस नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, उसमें बीच में एंड लिखा हुआ है, एंड का मीनिंग है कि कुछ अमाउंट इसका है कुछ अमाउंट इसका है, दोनों को मिला के टोटल ₹80 है। तो मैथमेटिक्स में अगर देखें तो एंड का मीनिंग क्या होता है, प्लस, क्योंकि हमने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया कि शॉप पे हम जाते हैं, दो सामान लिए हैं, तो उन दोनों का मिला के ₹80 बने, इन दोनों को ऐड करके, तो 2x तो इसका अमाउंट बन गया, क्योंकि 1 kg ₹100 के हैं तो 2 kg 2x के हो जाएंगे। ऐसे ही 1 kg ग्रेप्स कितने के आएंगे, वो तो 1 kg है वो ₹80 के, तो मीन्स दोनों ही मिला के ₹80 के आए, मीन्स दोनों को प्लस कर दे तो वो ₹80 बनते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन बन गई। ऐसे देखिए सेकंड, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स। अब सेकंड कंडीशन क्या है, आल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स, ये आपके ₹70 के हैं। तो देखिए 1 kg एप्पल तो ₹100 के आएंगे, और 2 kg ग्रेप्स 1 kg अगर वाई के हैं तो 2 kg कितने के हो जाएंगे, 2y। अब एंड का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि प्लस, इन दोनों को ऐड कर दें तो वो कितना आ जाएगा, 70। तो ये देखिए आपकी दो इक्वेशन बन गई हैं, दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। अब आप इस पे कोई भी मेथड लगाओगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, यही आपने फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास टुक पार्ट इन ए क्विज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो फाइंड करना होता है उसको हम सपोज कर लेते हैं, मीन जिस पे कंडीशन भी उसी पे होती है।
हमने स्पोज किया स्पोज नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स, स्पोज नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। अब कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से फोर ज्यादा है। तो आपको ये बताई हुई थी कंडीशन कि गर्ल्स तो पहले ही ज्यादा है, तो गर्ल्स हमारी वाई है, गर्ल्स आर फोर मोर देन द बॉयज। बट हमने क्या बनाना है, हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, हमने इक्वेशन बनानी, इक्वेशन का मीन्स इक्वल करना है। तो बॉयज और गर्ल्स इक्वल कब होंगे, क्योंकि गर्ल्स बॉयज से चार ज्यादा है। तो ये लिखा तो किसके साथ है, गर्ल्स के साथ, बताया ऐड किधर करेंगे, बॉयज वाली साइड। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी डिटेल। तो गर्ल्स तो वाई है और बॉयज एक्स है प्लस फोर, तो इसको एक साइड ले लेते हैं, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन इसमें गिवन नहीं है, सिर्फ एक ही गिवन थी कि इफ नंबर ऑफ गर्ल्स फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो इसको ध्यान से देखिए स्टेटमेंट में, सेकंड भी गिवन है इसमें। देखिए स्टार्टिंग में लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू पार्ट इन क्विज, मींस टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10। तो सेकंड कंडीशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि इसने लिखा था कि गर्ल्स और बॉयज को जो टोटल आपके इस क्विज में है वो कितने हैं 10, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन बनेगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो दैट इज आपकी दो इक्वेशन आ गई है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई आ जाएगा, यही हमें फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि टैन बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180, फाइंड बोथ एंगल। तो बोथ एंगल मीन फाइंड कर लिया हमने, फर्स्ट एंगल कर लिया, सपोज फर्स्ट एंगल इज एक्स, आपने लिखी फर्स्ट एंगल की वैल्यू एक्स डिग्री है, सपोज सेकंड एंगल इज इक्वल टू वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स इज 18 डिग्री, तो जो उनके बीच का डिफरेंस है मींस एक्स माइनस वाई है वो 18 है। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई। तो एक कंडीशन तो इसमें डायरेक्ट थी, अब एक इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या है, देखो स्टेटमेंट को देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 18। तो एक तो हमने कंडीशन लगा ली, सेकंड अब इसमें गिवन नहीं है। तो स्टेटमेंट ध्यान से देखें, जैसे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें दोनों इक्वेशन डायरेक्टली लिखी हुई थी, अब हमारे इन क्वेश्चन में एक इनडायरेक्ट वे से लिखी होती है। तो इसने लिखा है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल का सम क्या हो 180, एक सम ऑफ टू एंगल्स इज 180। कुछ स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम 90 और सप्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम 180। तो हमें इनमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो कंफ्यूजन को दूर करने का मेथड है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री में सी पहले आता है और एस सप्लीमेंट्री का एस बाद में आता है। तो सी आपका अल्फाबेट जो पहले आता है, एस बाद में आता है, इट मीन सी छोटा है और एस बड़ा है, ऐसे याद रखेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या आ गई, आल्सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई, क्योंकि इसने लिखा था कि सम दीज आर टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री का मीन कि एक्स और वाई का सम 180 है। दोनों को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, बाय वन एंड टू, बाय वन एंड टू आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, एक्स भी आ जाएगा वाई भी आ जाएगा, यही आपने फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज, कि मीना को 2000 रुपीज लेने थे, तो उसने कैशियर को कहा कि उसे 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट दे दें। तो मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, तो उसको टोटल कितने नोट मिले, 25 नोट दिए उन्होंने। तो ये बताना है कि कितने नोट 50 रुपीज के हैं और कितने 100 रुपीज के हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि सपोज नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, कि जो 50 रुपीज के नोट है आपके, वो हमने एक्स मान ली कि 50 रुपीज के नोट एक्स है। और ऐसे ही सपोज नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, कि जो 100 रुपए के नोट है वो आपके वाई है, वो हमने वाई ले ली। तो अब देखिए पहली कंडीशन क्या है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ, कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल,
तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन कि जो टोटल नोड्स हैं वो हमारे 25 हैं टोटल। तो टोटल मीन्स कुछ 50 पीस के हैं और कुछ आपके 100 पीस के हैं। तो एक्स ये थे वाई ये थे, दोनों को मिला के 25 होंगे। तो एक कंडीशन तो देखिए क्लियरली लिखी हुई है। अब सेकंड कंडीशन हमें क्वेश्चन में से ढूंढनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में और तो कुछ गिवन नहीं है, एक तो यही गिवन था कि उसके 25 नोट्स हैं। सेकंड कंडीशन ये हमें पता है कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज, कि जो उनका अमाउंट है वो कितना है टोटल है 2000 रुपीज। तो ये अमाउंट के लिए कैसे कंडीशन बनेगी कि जो अमाउंट है टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट इज 2000 रुपीज। तो कुछ अमाउंट 50 रुपीज नोट का होगा, कुछ 100 का होगा, क्योंकि दो टाइप के नोट्स है ना। तो अमाउंट ऑफ 50 रुपीज नोट प्लस अमाउंट ऑफ 100 रुपीज नोट, कि दोनों को मिला के जो है ना वो आपका 2000 रुपीज। तो देखिए अमाउंट जो 50 रुपीज नोट का है और जो 100 रुपीज नोट का है वो कितना होगा। देखिए अगर हम दो नोट लें 50 रुपीज के, टू नोट्स हो 50 रुपीज के, तो कितना अमाउंट बनेगा 50 की 2 से मल्टीप्लाई। अगर ये आपके 8 नोट्स हो 50 रुपीज के तो 50 कितना बनेगा अमाउंट 50 की 8 से मल्टीप्लाई। तो मीन्स ये कितने नोट है 50 रुपीज के एक्स, तो कितना अमाउंट हो जाएगा इनसे 50x। ऐसे 100 रुपीज के अगर वाई नोट है तो कितने पैसे हो जाएंगे, अगर 100-100 के चार नोट है तो 100 मल्टीप्लाई 4 400, अगर 100-100 के 8 नोट है तो 100 मल्टीप्लाई 8 800। अब कितने नोट है ये वाई, तो मीन्स 100-100 के वाई नोट है कितने बन जाएंगे आपके 100y = 2000। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन है। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पर सॉल्व करने से पहले जैसे सेकंड कंडीशन है उसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं। सिंपलीफाई कैसे, कि जो सेकंड कंडीशन आपकी आई है 50x + 200y = 200, तो इसमें से देखिए 50 कॉमन आ रहा है क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी इजी हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा x + 2y = 200, तो ये आपका 50 से इधर कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 40। तो ये कंडीशन बन जाएगी x + 2y = 40। तो ऐसे पहले सिंपलीफाई करके उसके बाद आप वन और टू इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका x और y आ जाएगा, यही आपको चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लैंग्वेज थोड़ी टफ है। हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 मोर देन द इट्स ब्रेथ इज 36। तो ये जो कॉमा लगा हुआ है इसको ध्यान से देखना है, क्या लिखा है कि जो हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो कैसा रेक्टेंगल है, यहां ब्रैकेट को भी लगा दूंगी, whose length is 4 meter more than its breadth, तो ये बीच में एक ब्रैकेट लगा देंगे, is 36। तो क्या 36 है, half of the parameter, half of the parameter is 36। तो rectangle के आपको नॉलेज ही है, हमने क्या निकाल लिया उसकी डायमेंशन। डायमेंशन का मीन्स होता है उसकी जो साइड्स है, मीन्स लेंथ और ब्रेथ। तो हमने क्या करा, सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स मीटर एंड सपोज ब्रेथ इज breadth of rectangle is y meter। तो क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है half of perimeter is 36, कि half multiply perimeter of rectangle is equal to 36। तो half of perimeter of किसके इक्वल होता है, perimeter of rectangle सभी को पता होगा 2 multiply length plus breadth, ये फॉर्मूला आपने सामने करा हुआ है 6, 7, 8 में। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेंथ आपकी x है, y आपकी ब्रेथ है, तो x plus y 36। तो इक्वेशन तो ये है। अब सेकंड क्या कंडीशन है, कुछ लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, लेंथ वो जो है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, बट हमने इक्वेशन बनानी है इक्वल करना है। तो लेंथ इक्वल टू ब्रेथ प्लस 4 किधर ऐड करेंगे, लेंथ तो पहले ही 4 ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए किधर ऐड होगी वो ब्रेथ में। तो लेंथ आपकी x थी, y प्लस 4, तो x माइनस y इक्वल टू 4। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन होगी, y 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करो आपका x y आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्जेस। जो टैक्सी वाला है वो कहेगा, कहता है कि एक तो हमने फिक्स चार्जेस रखा हुआ है टुगेदर, और उसके साथ क्या रखा हुआ है, विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड,
कि जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे बाकी पैसे उसके हिसाब से हैं। जैसे मान लें हमने एक टैक्सी वाले को कहा कि हमने यहाँ से कुरुक्षेत्रा जाना है, पेवा से कुरुक्षेत्रा, तो उसने कहा कि 500 रुपीज तो मेरे फिक्स हैं, इतने पैसे तो मैंने लेने ही लेनी है आपसे, प्लस जितनी भी दूर आप जाओगे, जितनी भी दूर जाओगे आप उसके हिसाब से 5 रुपीज पर किलोमीटर है। मान लो हम यहाँ से कुरुक्षेत्र गए तो 30 किलोमीटर गए, तो 30 किलोमीटर के उसने 5 रुपीज के हिसाब से 150 रुपए ये ले लिए। तो ये इस टाइप सा क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट इन फिक्स्ड चार्जेज, कि फिक्स्ड चार्ज तो लेने ही लेने हैं मैंने, 500 तो मान लो उसने कहा कि मैंने लेने लेनी है, बाकी आप जितने किलोमीटर जाओगे, अगर आप 30 किलोमीटर जाओगे तो 5 रुपीज के हिसाब से 150 ये दे देना, तो आपके 500 और 150 650 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मान लो हम 500 तो हमने देने देने हैं, अगर हम 100 किलोमीटर जाएं तो 5 रुपीज के हिसाब से 500 ये बन जाएंगे और 500 उसके फिक्स हो जाएंगे। तो इस टाइप से टैक्सी वाले ने जो स्कीम रखी हुई है उसमें दो बातें हैं, एक उसने कहा कि हमने फिक्स चार्ज रखे हुए हैं वो तो लेने दे रहे हैं जहां मर्जी जाओ, और वो बाकी पैसे किस पे डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड, कि जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे बाकी उस पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया कि 30 किलोमीटर गए और 5 रुपीज 1 किलोमीटर के हैं तो 150 रुपीज देने पड़े, अगर हम 100 किलोमीटर जाएं तो 5 रुपीज के हिसाब से 500 देने पड़े। तो यही क्वेश्चन में लिखा है कि अगर हम 10 किलोमीटर जाएं, अगर हम 10 किलोमीटर जाएं तो हमें कितने पैसे देने पड़ते हैं, 1 रुपीज 105 रुपीज, और अगर हम 15 किलोमीटर जाएं तो हमें कितने पैसे देने पड़ते हैं, 155 रुपीज। तो हमने यही फाइंड करना है कि फिक्स चार्जेस कितने हैं और पर किलोमीटर के हिसाब से कितने हैं। तो स्टेटमेंट थोड़ी कन्फ्यूजन वाली है, आंसर इजी है, हमने सपोज कर लिया, सपोज फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड सपोज चार्ज फॉर 1 किलोमीटर तो ये हमने ले लिया 5 रुपीज। तो पहली कंडीशन है अगर 10 किलोमीटर जाएं तो कितने पैसे देने पड़ते हैं, 105। अब देखिए 10 किलोमीटर के कितने बनेंगे, एक्स पीस तो हमने देने देने हैं क्योंकि फिक्स ये तो देने देने हैं उसको, और 1 किलोमीटर के वाई पीस हैं तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, 10y, तो दोनों को मिला के कितने बन गए, 105। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई। ऐसे ही सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, अगर हम 15 किलोमीटर जाएं तो 155 देने पड़ते हैं, 155, तो एक्स रुपीज तो देने पड़ेंगे जो फिक्स हैं वो हमने दे दिए, प्लस 15 किलोमीटर के कितने बनेंगे, 1 किलोमीटर के वाई हैं तो 15 किलोमीटर के बन जाएंगे आपके 15y, तो दोनों को मिला के कितने आ जाएंगे, 155। तो दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, वहां से आपका एक्स वाई आ जाएगा, यही हमने फाइंड करना था, फिक्स चार्जेज एंड चार्जेज फॉर 1 किलोमीटर।